शो ऑफ हैंड्स की तजवीज़, सदर ने वज़ीर आज़म के रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कब भिजवाया जाएगा? सदर मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी देती है, दस्तखत कर दी है रेफरेंस पर। और ये अब जल्द जो है ये कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दिया जाए। इस पर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर दर्ज मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है और ये भी कहा है कि रेफरेंस में आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी मांगी गई है और वफाकी कैबिनेट इस मामले पर 15 दिसंबर इस बारे में अपडेट किया। शुक्रिया। शो ऑफ हैंड्स की तजवीज़, सदर ने वज़ीर आज़म के रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कब भिजवाया जाएगा? सदर मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी देती है, दस्तखत कर दी है रेफरेंस पर। और ये अब जल्द जो है ये कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दिया जाए। इस पर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर दर्ज मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है और ये भी कहा है के रेफरेंस में आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी मांगी गई है और वफाकी कैबिनेट इस मामले पर 15 दिसंबर इस बारे में अपडेट किया। शुक्रिया। शो ऑफ हैंड्स की तजवीज़, सदर ने वज़ीर आज़म के रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कब भिजवाया जाएगा? सदर मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी देती है, दस्तखत कर दी है रेफरेंस पर। और ये अब जल्द जो है ये कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दिया जाए। इस पर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर दर्ज मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है और ये भी कहा है के रेफरेंस में आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी मांगी गई है और वफाकी कैबिनेट इस मामले पर 15 दिसंबर इस बारे में अपडेट किया। शुक्रिया। शो ऑफ हैंड्स की तजवीज, सदर ने वज़ीर आज़म के रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कब भिजवाया जाएगा? सदर मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी देती है, दस्तखत कर दी है रेफरेंस पर। और ये अब जल्द जो है ये कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दिया जाए। इस पर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर दर्ज मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है और ये भी कहा है के रेफरेंस में आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी मांगी गई है और वफाकी कैबिनेट इस मामले पर 15 दिसंबर इस बारे में अपडेट किया। शुक्रिया।